कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर फॉर्मेट में आ चुके हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, उसका फुल सॉल्यूशन आपको कल और परसों में मिल जाएगा, कल तक मिल जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उनको उस कोर्स वाले में भी मिल जाएगा। अगर किसी को क्वेश्चन का आंसर आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, वरना थोड़ा सा वेट करें, कल क्वेश्चन विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न, एक निम्न में पादप में फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, भोजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बच्चों। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है श्वसन से, उत्सर्जन से, पोषण से या फिर परिवहन से। जिसको पता है बेटा कमेंट में आंसर ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, तो पादप हार्मोन कौन सा है बच्चों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ठीक है, एप्सिकम, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ठीक है, मुझे बताना है। प्रकाश के परावर्तन की घटना आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध क्या होता है? ठीक है, विभवांतर को नापने का यंत्र क्या है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर या फिर वोल्टामीटर। ठीक, किसी चालक के तार के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर या फिर उपयुक्त सभी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, ये हमें बताना है। ये जो रिएक्शन हमें दे रखी है बच्चों, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये हमें बताना है। देख के अपचन उपचार करने के लिए अपच होना है, यहाँ पर अपच होगा, किस औषधि का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है, ये आपको बताना है। अब आपको रिक्त स्थान भरने, नर में डैश हार्मोन का श्रावण होता है, किस हार्मोन का श्रावण होता है नर में। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत सूर्य से आने वाली डैश से सुरक्षा प्रदान करती है। किसी को आंसर पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कोयला एवं पेट्रोलियम डैश ईंधन के उदाहरण है। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आदि दूरी को हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत शक्ति का मात्रक डैश होता है, हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, अतिलघुत्वरीय में पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? ठीक है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो फ्रिज होता है उसमें कौन सा गैस होता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है बच्चों? गंगा नदी पर बंधे बांध का नाम लिखना है। यदि एल लंबाई के चालक का तार का प्रतिरोध आर है, तो उसके चालक की तार से 2R प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार हमें लेना पड़ेगा? ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। इसमें सूत्र लग जाता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? एक नंबर बताना है। किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं, किस दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं, यह हमें बताना है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इसे दही बन जाने पर इसका पीएच परिवर्तन हो जाता है, क्यों? आश्रित जल विद्युत का जालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है? ठीक है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? हर साल आता है ये सब क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है बच्चों? 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण को समझाना है हमें। एक संकर एवं द्वि संकर प्ररूप के लक्षण प्ररूप अनु लिखने हैं हमें। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है हमें। यदि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लग जाएगा ये फॉर्मूला। विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए, इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। V बराबर क्या होता है? IR। ओम का नियम आपको लिख के बताना है। धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और आवश्यक चित्र भी बनाना है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है?
तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण का नाम लिखिए और चित्र भी बनाइए। प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के संचालक क्यों होते हैं। आवश्यक चित्र भी बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? या तो ये करना है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो ये करना है। समजात तथा समरूप अंग किन्हें कहते हैं? चित्र बनाकर दिखाना है आपको। जीवाश्म किन्हें कहते हैं? चित्र बनाकर दिखाना है। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र भी बनाना है। या तो ये करना है अथवा ये करना है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। विद्युत मोटर के दो उपयोग बताइए। ठीक है। जल के वैद्युत अवघटन की विधि लिखिए। इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र भी बनाइए। या फिर जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। ठीक। अब दो पे आ जाओ। इसमें क्या है, 21 से 22 के उत्तर हमें लिखने हैं। सिनेप्स किसे कहते हैं? या फिर तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के क्या कार्य होते हैं? तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाना है। या फिर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनैच्छिक क्रियाओं के दो उदाहरण भी लिखने हैं और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है हमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब 2F1 F1 के बीच में रखा जाता है। ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। या तो वो करना है या फिर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार पर टिप्पणी लिखना है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण चित्र बनाइए। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस वन है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है बच्चों, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सबकी लिंक्स मिल जाएगी चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में। या तो ये करना है या फिर अगला क्या है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। जो बुदबुदाहट वाला प्रैक्टिकल कराया था ना, वो यहाँ पे बताना है। आवश्यक चित्र भी बनाइए। ठीक है। या फिर कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके साइंस के, जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है। ये तो आप खुद से बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं बेटा। सारा चैप्टर सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके सोल्यूशन आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है। कल मिल जाएंगे विद लाइव सोल्यूशन।